हेलो एवरीवन, तो स्टे फिट जर्नी का आज है डे 6 और आज हम बात करेंगे ट्राइसेप की, क्योंकि जब भी हमें अपने आर्म का साइज़ बड़ा दिखाना है तो उसमें जो ट्राइसेप है वो आपके बाइसेप मसल से बड़ी होती है, और उस मसल को कैसे ट्रेन करना है या फिर मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा जिम में। चलिए देखते हैं कैसे ट्रेन करना है। जिम में जाकर वार्म अप के बाद परफॉर्म किए मैंने डायमंड पुशअप। इस एक्सरसाइज के 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और टोटल 3 सेट लगाने हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। और उसके बाद आ गया फिर मैं डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन परफॉर्म करने के लिए। इस एक्सरसाइज के भी मैंने 10 से 12 रेपिटेशन और 3 सेट परफॉर्म किए। स्लोली परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए, और डंबल पूरा नीचे लेकर जाना है और कोहनियों को अपने कान के पास जितना हो सके उतना रखें और कोई भी इंजरी को अवॉइड करें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुल्ली पुश डाउन। इस एक्सरसाइज में बैक स्ट्रेट रखनी है, कोहनियों को अपने बॉडी के पास रखना है और इसमें 3 सेट करेंगे हम, और हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन लगाएंगे और अपने अकॉर्डिंगली वेट चूज़ करना है और स्लोली परफॉर्म करना है मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुल्ली पुश डाउन। इसमें रिवर्स ग्रिप पकड़नी है आपको और 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और 3 सेट लगाएंगे इस एक्सरसाइज में भी। इसको भी पुल्ली पुश डाउन की तरह परफॉर्म करना है, कोहनियों को बॉडी के पास रख के बैक स्ट्रेट रखते हुए, लेकिन इसमें ग्रिप रिवर्स यानी कि उल्टी रहेगी और स्लोली परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं हर सेट में और टोटल 3 सेट लगाता हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंगली वेट चूज़ कर सकते हैं और स्लोली परफॉर्म करना है मसल एंड माइंड कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हुए, और आप चाहें तो 4 सेट भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज में भी 10 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं आपको और टोटल 3 सेट लगाने हैं। और ध्यान देना है कि इसमें जो भी वेट है लोड आपके शोल्डर पर ना पड़े और इंजरी के चांसेस कम हो जाएं। सभी एक्सरसाइज को स्लोली परफॉर्म करें मैक्सिमम बेनिफिट्स की। तो आफ्टर वर्कआउट आ गया हूँ मैं अपने घर पे, और आज का ट्राइसेप का वर्कआउट कैसा रहा, क्या कमियाँ थी, वो सभी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। एंड फॉलो फॉर मोर फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। थैंक यू।